नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का स्पेशल बुलेटिन खबर असरदार, और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज का दिन खास था, पूरे देश की नजर एक ही जगह टिकी हुई थी, वो था बजट। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हो चुका है। सरकार का कहना है कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और पीएम मोदी ने बजट को देश के लिए विकास का बजट बताया है। हालांकि विपक्ष बजट पर सवाल भी उठा रहा है, आखिर ये बजट कितना हिट है, कितना फिट है, आइए जानते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया, जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, मिडिल क्लास समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार का ये बजट 48.21 लाख करोड़ का है और ये दावा है कि ये बजट अमृत काल में विकसित भारत के सपने को पूरा करने का बजट है, जो समाज के हर तबके को मजबूत करेगा और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में कैटलिस्ट का काम करेगा। बजट के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये बजट गरीबों के सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। बजट से नौजवानों को नए मौके मिलेंगे तो मिडिल क्लास को नई ताकत, बजट में दलित पिछड़ी जातियों को मजबूत करने वाली योजनाएं हैं तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी सुरक्षित की गई है और MSME सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले ऐलान है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। TDS के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने 2024-25 के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। जैसे बजट में प्रावधान किया गया है कि गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेंगी, 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी, 20 लाख युवा महिलाओं को 5 साल तक स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, बिना गारंटी मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज एज द 5th स्कीम Under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions and employment opportunities. पहला तो बहुत निराशजनक बजट है, दूसरा ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, वो सब लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने की कोशिश हमारी रहेगी और ये बजट आम आदमी को न्याय देने वाला बजट होगा। ये बजट मिडिल क्लास के लोगों को भी न्याय देने वाला बजट होगा। ये बजट जिस तरह अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ावा देने वाला होगा।
बीजेपी मोदी सरकार के इस बजट को ऐतिहासिक बता रही है। तो इस बार के बजट में जो हाईलाइट रहा, जी हां, बजट में इनकम टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है, जबकि 3,00,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ग्राफिक्स के जरिए कि कोई टैक्स 3,00,000 रुपए तक देना नहीं होगा। और क्या नया जो न्यू रिजाइम है, टैक्स रिजाइम जो है, इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है पिछली बार से, इस बार कुछ अलग है? क्योंकि पिछली बार जो है 7,00,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जो है 75,000 कर दिया गया। बजट से आम इंसान को क्या मिला, यानी बजट से आम आदमी की उम्मीद होती है कि सस्ता महंगा क्या क्या हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी और मोबाइल और जब मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है, यानी मोबाइल और मोबाइल के सामान भी सस्ते होंगे। और इसके अलावा क्या सस्ता होने वाला है, इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है और अब इसे 6% कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी कम होने से जाहिर सी बात है कि सोने चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी और इससे काफी लोगों को फायदा होने वाला है। इसके अलावा लेदर और फुटवेयर का पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान भी किया गया है। तो ये बात हो गई कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, इसकी बात तो कर ली, लेकिन टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए, इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। वहीं प्लास्टिक के सामान पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है और इसे प्लास्टिक के सामान भी महंगे हो जाएंगे। वहीं पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी में भी बढ़ोतरी की गई है। और इसके अलावा हवाई सफर, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा भी महंगा हो जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा आम आदमी की चिंता हवाई सफर को लेकर हो सकती है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम बजट का स्वागत किया है। सीएम ने कहा कि यह बजट महंगाई को काबू करने में मदद करेगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोलेगा। डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर सकारात्मक कदम है। बजट से मध्य प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की है। वो कह रहे हैं कि बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है और इसमें गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए। मैं विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि बजट आगामी आने वाले 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उस संकल्प के लिए खाका तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरी देश की ये पांच जातियां हैं, उन चार जातियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया है। और बजट में सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी खजाना खोला है। बिहार के लिए करीब 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि बिहार से आंध्र प्रदेश तक खुशी की लहर है। तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार बचाने के लिए सहयोगियों को गिफ्ट दिया गया है।
मोदी सरकार ने भले ही आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा न दिया हो, लेकिन दोनों ही राज्यों के विकास के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। बिहार को इस बजट में उम्मीद से ज्यादा मिलता दिख रहा है। बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार को करीब 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की। मेडिकल कॉलेजेस एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार विल बी कंस्ट्रक्टेड। An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Modi 3.0 में बिहार के लिए इतनी सौगातें मिलने पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाने वालों पर भी तंज किया। नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बजट में बिहार के विकास के लिए कई योजनाएं लाई गईं, जिसकी बिहार को सख्त जरूरत थी। लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया था। बिहार की ही तरह आंध्र प्रदेश के लिए भी करोड़ों की योजनाओं का ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी विकसित करने के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए की सहायता देगी। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 5 बार आंध्र प्रदेश का जिक्र किया। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद देने की भी बात कही। आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी एक्ट के तहत रकम मुहैया कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया है। उन्होंने लिखा है कि बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है? अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुँचेगा जनता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी सरकार का बजट गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है। उन्होंने लिखा कि ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। पर ऐसे में विपक्ष के बार बार सरकार पर बनाए जा रहे दबाव के बीच देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली जो परीक्षा को लेकर अभी तक संशय में बने हुए थे। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक या गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, ऐसे में एग्जाम रद्द करने की मांग सही नहीं है। पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा, ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है। पूरे देश में पेपर लीक होने की बात साबित करने के लिए अदालत के सामने कोई ठोस आधार नहीं था। अगर कुछ सेंटरों के ज्यादा मार्क्स देखने में आए हैं तो उन्हें पेपर लीक से जोड़ा जाना उचित नहीं है। इस मामले में व्यवस्थागत लीक की बात साबित नहीं हुई है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर आईआईटी विशेषज्ञों ने मंगलवार को अदालत में विवादित प्रश्न को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ऑप्शन 4 को सही माना गया। अब बुधवार से नीट यूजी की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों के जो परीक्षा होते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो, उसमें जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच और सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जैसे सख्त कानून को अमल में लाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज
हमारे पक्ष रखते हुए ये भी वचन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है। बता दें कि नीट का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश था। कई बार सड़क पर प्रदर्शन भी किया गया। दिल्ली से लेकर बिहार और झारखंड तक की राजनीति गर्मा गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से छात्रों ने बड़ी राहत महसूस की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कांवड़ मार्ग में दुकानों और फलों विक्रेताओं के नाम उजागर करने वाले यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन अब कांवड़ के बाद संतों ने कुंभ में पहचान की मांग कर दी है। देखिए रिपोर्ट। पांच हजार आने वाले चाहे 2000 जितना भी लोग आने वाले उनका आधार कार्ड भेजो, मेले में 1000 राम सिंह आएंगे, आपका आईडी रहेगा, आपकी सुरक्षा भी रहेगा और मेला का भी सुरक्षा रहेगी। ये उनकी मांग जायज है, हम उसका समर्थन करते हैं। देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी के फरमान किसी के कहने से देश नहीं चलेगा। यूपी में कांवड़ यात्रा रूटों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर मचे बवाल के बीच में अब प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में भी पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग उठने लगी है। यूपी में कांवड़ यात्रा रूटों पर नेम प्लेट को लेकर उठे विवाद के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने, जो कि साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है, जनवरी 2025 में संगम की धरती पर आयोजित होने वाले देश और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक मेले महाकुंभ में पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग की है। 13 जनवरी 2025 में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। ऐसे में साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग सरकार से की है। पहचान के लिए उसको ये हमारी चिंतन है कि प्रत्येक आदमी को आज मेला में चुनौतियों से भरा हुआ है, कहीं भी आदमी मतलब जो है हिंसक रूप से बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। अब उनसे कोई हिंसा न हो, कोई घटना न हो, 5000 आने वाले चाहे 2000 जितना भी लोग आने वाले उनका आधार कार्ड भेजो और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी जो है वो मोहर मार प्रमाणित करके या सरपंच प्रमाणित करके कि यही व्यक्ति है। अखाड़ा परिषद की ओर से मांग की गई है कि मेले में आने वाले सभी लोग अपना पहचान पत्र लेकर साथ आए। उनके मुताबिक लोग सिर्फ पहचान पत्र ही ना लाएं, बल्कि उसकी कॉपी भी प्रमाणित कराकर अपने साथ लाएं, ताकि किसी घटना के बाद में लोगों की आसानी से शिनाख्त की जा सके और पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करने में आसानी हो। बीजेपी का कहना है कि आखिर पहचान बताने में किसी को एतराज क्यों है, बीजेपी संतों की मांग का समर्थन करती है। उन्होंने जो कहा है कि पहचान छिपाने का क्या मतलब है, पहचान तो सबको रखनी चाहिए, नेम प्लेट लगाना चाहिए, दुकानों पे लिखना भी चाहिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया है, लेकिन अपनी पहचान सारे लोग पहले से भी लगाते रहे हैं, कुछ लोग जो चोरी करते हैं वही नहीं लगाते हैं, बाकी सभी लोग लगाते हैं, तो लगाना चाहिए, ये उनकी मांग जायज है, हम उसका समर्थन करते हैं। देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी के फरमान किसी के कहने से देश नहीं चलेगा, और संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक पहले भारतीय है, उसके बाद कुछ और है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपसी सौहार्द में रहते हैं, और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने एक फरमान जारी किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसको जिस तरीके से रद्द करने का काम या अंतरिम आदेश तक उस पर रोक लगाने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अखाड़ा परिषद ने इससे पहले कांवड़ यात्रा मार्ग में खाने पीने को लेकर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था। इससे पहले योगी सरकार के आदेश पर कांवड़ यात्रा मार्ग में आने वाली दुकानों और ठेलों पर खाने का सामान बेचने वालों की पहचान बताने को भी कहा था, जिस पर सियासी पारा हाई हो गया था। हालांकि सरकार आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद में इस पर फैसला आना अभी बाकी है। अब देखना है कि अखाड़ा परिषद की इस मांग पर शासन और प्रशासन का क्या रुख रहता है और सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18, प्रयागराज।
चलिए बढ़ेंगे आगे और बात बारिश की कर लेते हैं। तो देश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है, एमपी छत्तीसगढ़ भी तरबतर है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 27 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, पुल पुलिया डूब गए हैं, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। देखिए जरा, एमपी छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। गांव से लेकर शहर तक हर ओर सैलाब ही सैलाब है, नदी नाले उफान पर हैं, पुल पुलिया डूबे हुए हैं। इस दौरान लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते नजर आ रहे हैं। सिवनी की ये तस्वीरें देखिए, ये युवक बाइक से रपटा पार करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। रपटा पानी में डूबा है, लेकिन इसके बाद भी युवक जान को जोखिम में डाल रहा है। लेकिन रपटा पार करना इस युवक को भारी पड़ गया, बाइक के साथ युवक तेज धारा में बह निकला। बालाघाट में भी बाढ़ के हालात हैं, यहाँ वेनगंगा नदी में उफान है। प्रशासन ने नदी के किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया है, तहसीलदारों, खाद्य अधिकारियों, थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया है। यहाँ भीमगढ़ बांध के 7 गेट खुले हुए हैं, इन गेटों से लगातार 70,000 घनफीट जल प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। तेज बारिश के बाद जिले में स्कूल में एक दिन की छुट्टी भी की गई। नरसिंहपुर में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश के बाद हालात खराब हो गए। बारिश में गोटेगांव क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और निर्माणाधीन पुल का अप्रोच रोड बहने से 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। अशोकनगर में मुंगावली ब्लॉक में 3 घंटे के अंदर 5 इंच बारिश हो गई। इस बारिश के चलते कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूटा है और नेशनल हाईवे 346 पर यातायात बंद पड़ा है। लोग छतों पर बैठकर बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। उधर दमोह में लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। सुभाष कॉलोनी और मुस्की बाबा इलाके में नाव चल रही है और इसके जरिए महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। राजनगर इलाके में एक कार बहकर नाले में पहुंच गई। जबलपुर में बारिश से नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। नदी में आए उफान से नर्मदा के घाट डूबे हुए हैं। 20 साल में पहली बार नवग्रह मंदिर तक पानी आ गया है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के घाट पर जाने पर रोक लगा दी गई है। नदी में बोट चलाना भी बंद कर दिया गया है। उधर बलौदा बाजार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। जिले से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीम को अलर्ट किया गया है। भाटापारा के सेमरिया घाट पर पुल के 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके बाद लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील की जा रही है। बालौद में कार सवार 6 लोग डूबने से बाल बाल बचे, हालांकि उनकी कार नाले में बह गई। घटना बालौद थाना क्षेत्र की है। दुर्ग जिले के धनोरा गांव के रहने वाले 6 लोग कार से बालौद के बरही गांव आए थे। लौटते वक्त साकरा गांव के पास उफनते नाले को पार करने की वे कोशिश करने लगे। इस दौरान कार तेज धारा में बह गई। गनीमत रही कि सभी लोग समय रहते कार से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी कार पानी में बह गई। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले जिले में उफान पर हैं। धमतरी के नरहरा वाटरफॉल की तस्वीरें भी देखिए, यहाँ भी सैलाब ही सैलाब है। बारिश के बाद पहाड़ी झरना नदी में तब्दील हो गया, पानी की धारा काफी तेज है। प्रदेश के ज्यादातर जलप्रपातों में यही नजारा देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गुरु पूर्णिमा के मौके पर 3 दिन के उत्सव में शिरडी में रिकॉर्ड दान आया। साईं के भक्तों ने अपने बाबा की झोली रुपयों, पैसे और सोने चांदी से भर दी। साईं ट्रस्ट की ओर से 20 से 22 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। इन 3 दिनों में करीब 2 से 2.5 लाख भक्तों ने साईं समाधि के दर्शन किए और साईं की झोली में 6,25,00,000 रुपए का महादान दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साईं मंदिर की हुंडी खोली गई और दिन भर इसकी गिनती होती रही। दान में मिली रकम से साईं ट्रस्ट भक्तों को सुविधा मुहैया कराता है, साथ ही साल भर करीब 2 करोड़ भक्तों को मुफ्त भोजन, मुफ्त अस्पताल, KG-2 PG शिक्षा और देश और राज्य में आई आपदा में मदद करता है। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 18।